तो बिलाखिर मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जम्मू कश्मीर के आवाम तक ये वीडियो पहुँचे, तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो मुंतज़िर है, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को जो है रियासती दर्जा जो है वो वापस मिलना चाहिए, रियासती दर्जा बहाल होना चाहिए, इन्हें स्टेटहुड मिलना चाहिए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में कुछ ही रोज़ कबल, इलेक्शन से कबल आपने देखा कि दो लोग, चाहे हम कॉलेज टीचर जो जहूर अहमद है या उनके साथ खुर्शीद अहमद जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो चले गए अर्जी लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा उन्होंने खटखटाया। और अब ये बताया जा रहा है कि अब उन्हें वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब इस अर्जी पे बहुत जल्दी सुनवाई होने जा रही है। क्योंकि जिस तरह से उनके वकील ने, जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है शंकर नारायणन, एक उनका जो सीनियर एडवोकेट है गोपाल शंकर नारायणन, वो जो है उन्होंने दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दी है ऑन द बिहाफ ऑफ जहूर अहमद एंड खुर्शीद अहमद, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, दूसरा एक एकेडमिशियन यानी एक और टीचर है। तो उन्होंने जो इलेक्शन से पहले अर्जी दायर की है उसमें मैं आपको बता दूं कि अब बताया जा रहा है कि बहुत जल्द सुनवाई जो है रियासती दर्जा मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के आवाम हो, यहाँ के लीडरान हो, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज हो, लंबी मुद्दत से गुहार लगा रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं जो 11 दिसंबर 2023 में दफा 370 को लेकर जो है अदालत आलिया की जानिब से, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला है, जिसमें ये बताया गया कि जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पहले पहले इंतखाबात होने चाहिए, वो इंतखाबात, और उसके बाद ये बताया गया कि यहाँ पर रियासती दर्जा की बहाली जो है वो टाइम बाउंड मैनर के अंदर ही होने चाहिए, यानी बहुत जल्द वो भी जो है जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा मिलना चाहिए। तो बिल्कुल अब इस जो ये अर्जी है इस पर सुनवाई होने जा रही है, और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लिए मैं भी अच्छी खबर हो सकती है। क्योंकि हालात जो है हालात बेहतर है, क्योंकि आपने देखा कि किन बेहतरीन हालात के अंदर जो है यहाँ पर पुरअमन माहौल के अंदर इंतखाबात हुए, असेंबली इंतखाबात 10 साल के बाद हुए। और वोटर टर्नआउट की अगर हम बात करें, आपने देखा लोकसभा में भी लोग जो है घर से जोक दर जोक निकले और बढ़ चढ़ कर उन्होंने इस जमहूरी जश्न में हिस्सा लिया। लेकिन असेंबली इंतखाबात में आपने देखा कि किस तरह से वोटर टर्नआउट जो है वो देखा गया, और हालात जो है अब बेहतर है, अब वक्त आ ही गया है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा मिलना चाहिए, और जो नौवीं वो जो है बेहतरीन तरीके से यहाँ पर फुल पावर्स जो है वो एंजॉय करे और आवाम के काम करे, चाहे MLAs हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, तमाम लोग जो है यहाँ जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की में जो है वो लग जाए। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि अब टाइम बोर्ड के अंदर जिस तरह से कहा गया कि जम्मू कश्मीर को का रियासती दर्जा जो है उसे बहाल कर दिया जाएगा, और बहुत जल्द जो है इस अर्जी पर सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो दिया जाएगा, उसे रेस्टोर किया जाएगा। तो फिलहाल इसी बड़ी खबर के साथ मुझे यानी सोहेल जावेद को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहे अर्ली टाइम्स।